स्टूडियो में बढ़न था पहला मेरा मन मनू था मैं कदे यार बड़ा कलाकार है बात नहीं करे बदो रवि नहीं बैठन देव भाई था कि मैं नाम था कलाकार का जड़ तक मैं बात करूं भाई मैं खुद इतने बड़े कलाकार नहीं है बस उन साथ में काम करया है अपना काम करया हाँ गल्ला काम करया है गल्ला गए हाँ स्टूडियो में जिस टाइम मैं पहली बार गया उसका पहली बार एक गाना था लाड लडाऊ उस गाना ने सुन के न मतलब मन नु खुश होया था फिर एक उसका गाना था कदर भूल गई यार की वाई साहब। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबने पता है आज है जो राजू पंजाबी जी जो अपने हरियाणवी इंडस्ट्रीज के है जो चमकता सितारा थे जो हरियाणवी जो लैंग्वेज थे उसने है जो अपने गाने का माध्यम था जो पूरा वर्ल्ड में जो नाम करवाया अपनी हरियाणवी संस्कृति का अपने गाने का माध्यम था। और एक मतलब सिरमौर गायक थे मतलब चोटी का कलाकार था राजू पंजाबी, आज हमारे बीच नहीं रहे वो, आज नवीन जिंदल जो जिंदल हॉस्पिटल है उसमें अपनी अंतिम सांस ली है। एक भाई है और है उनका चाहने वाला है, उनका गला काम भी करया हुआ है इन्होंने, तो पूछेंगे सारी बात भाई जब मिले देख करके बर्ताव था राजू पंजाब बात करांगे भाई राम राम भाई। राम राम भाई नाम भाई अपना संदीप गणोदा भाई भाई आज आपने बताया अपनी हरियाणवी इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा जो घाटा है जो है वो कदम पूरा भी नहीं हो सकता, राजू पंजाबी जी है जो महान कलाकार आप अपना बीच नहीं रहे, तो आपका उनसे किस तरह रास्ता हुआ था, किस तरह की बात की भाई? कलाकार भाई था और कलाकार भी ऐसा कलाकार नहीं था भाई, कलाकार तो और बतेरे है, वो तो सारे कलाकार है लेकिन कलाकार का नाम पर कई कलंकार भी है, लेकिन वो एक ऐसा कलाकार था जिसने कदे भी आज तक ना तो अपनी कला का मैं करया। और दूसरी बात हरियाणा में जो असली गायन है असली गायन से लियाने वाला वो था भाई, सुरों का सरताज था, अपनी जो माँ बोली हरियाणवी बोली ने हरियाणा हरियाणा में नहीं विदेशों तक भी वो लेके गया है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा जड़ जितने भी विदेश है सारा वो लेके गया भाई। और जड़ तक मैं बात करूँ भाई मैं खुद इतने बड़े कलाकार नहीं है बस उन साथ में काम करया है अपना काम करया हाँ गल्ला काम करया है गल्ला गए हाँ स्टूडियो में जिस टाइम मैं पहली बार गया उसका पहली बार एक गाना था लाड लडाऊ उस गाना ने सुन के न मतलब मन नु खुश होया था फिर एक उसका गाना था कदर भूल गई यार की वाई साइकिल की, तो मिलन की इच्छा जाहिर करी उसका स्टूडियो में गए। स्टूडियो में बढ़न था पहला मेरा मन मनू था मैं कदे यार बड़ा कलाकार है बात नहीं करे बदो रवि नहीं बैठन देव भाई था कि मैं नाम था कलाकार का तो वह जिस टाइम स्टूडियो में एंट्री करी नहीं वह उसके अंदर 1% भी इसी बात कौन थी कि वो बड़ा कलाकार है अरे भाई किसी गल मिले को नहीं बातचीत नहीं करा ना भीतर गए बढ़िया खाना पीना होया भाई सुतरी बात करी और मिलन सार। और एक चीज़ और बताऊं अगर कोई सीखण का इच्छुक था तो उसने सिखाया भी करता साज बाज भी सारे बजाया करता हो वो नु कहा करता बच जो निचला दर्जा कलाकार होता नहीं उस दिन गंदा ऐसे नहीं ऐसे ऊपर उठा जाऊंगा मतलब पूरा सहयोग एक राह दिया गाइडलाइंस दिया करता बंदे मतलब उसकी कदे भी नु कौन सोची अकना जो सीखना रहा के करेगा सीखा कि भाई के करेगा तो चमक रहा है ना उसकी उसकी कोशिश यही रहा कर देना के बात होगी जितना तेरे पे ज्ञान है उतना तो दे तुम लोगों ने जिदे भी आज पूरा हरियाणा रोन लग रहा है हरियाणा हरियाणा के पे पूरा भारत रो है कदे कंट्रोवर्सी में भी नहीं आया नहीं कलाकार है कंट्रोवर्सी में रह जाए हाँ इस ये खास पॉइंट था भाई साहब आपका उसकी एक खास बात थी अपना किसान आंदोलन होया और भी बतेरे आंदोलन हुए वो एक ऐसा कलाकार था जिसने टीआरपी खातर फेम खातर मतलब लाइव आकर नखरे भोंकने लायक जो कदे नहीं भोंके भाई वो अपनी कला का माध्यम से ही आगे चलिया था और आज तक भी कला का माध्यम तई लोग उती चाहे उसकी खाम खाई का इंटरफेयर किसी चीज़ में करे को नहीं बगन खरे नाम कमाण खातर लाइव आज है मन नू है किसी पर दोष लान लायक जे है और किसाना का साथी था भाई पूरा तय दिल तक साथ दिया होती किसाना का। अच्छा रही बात सरकार की कदे सरकार पर किसी आओ किसी ना हो सरकार के खिलाफ भी कदे उसका बयानबाजी नहीं मतलब इस चीज तक उसका बहुत तकड़ा सब था सबका मिलन सार था सबका सकल मिलन सार था। खास बात और थी कई कलाकार हैं नहीं मौका का सब फायदा उठाए रे जो अपना किसान आंदोलन चल रहा था कई दर्शकों ने भुंडी भी लागे की बात वाए बात है फिर बाबा ठंडी अपनी तो कहे बिना रह ही जाएगा थी उसमें किसान ने गाने इतने गाए थे मतलब अपने आप को है जो स्टैब्लिश करने के लिए और भी ज्यादा मतलब एक सिंपथी गेन करने के लिए किसान पे ऐसे गाने गाए दिए भाई लोगों का ये बढ़िया कलाकार है भाई इन्होंने मतलब प्रेम पे बोले लेकिन राजू पंजाबी ने कदे ऐसा कोई स्टंटबाजी कौन करी उसकी आवाज में इतना दम था पहली बात तो उसकी आवाज़ में इतना दम था रही बात भाई उसका अगर दो ऑफर लेके भी गए नहीं गन करे लोग
अगर सरकार को ऊपर गाना कर दे या फिर किसान के खिलाफ गाना कर दे, कदें हिस्सा लिया है कोई? हाँ, सबसे पहले अगर उसका गाना आया था हरियाणवी इंडस्ट्री में आने से पहले भी अगर उसका एक गाना आया था, तो एक बोला के ऊपर गाना आया था, उसकी लाइन में शायद भूल रहा हूँ, मेरा माइंड में चढ़े कि मैं बताऊँ भी आपने, सबसे पहले बोला के ऊपर और किसान के ऊपर राजू पंजाबी ने गाना कराया था हरियाणा में। किसान की दशा दिखाई गई थी, बोला लग बताया गया था कि ए भोलेनाथ किसान मेरा कितना दुखी है और उसकी तू हेल्प कर, तो सरकार तो उसकी सुनाई को नहीं कर रही, और किसान मेरा किसान का दर्द सुना था तो राजू पंजाबी ने सुना था, पहली बार गाना राजू पंजाबी का आया था। और एक बोला का भी वक्त था, मतलब अच्छे गाने थे उसके, था मेरी माँ ने बनाया चूरमा बोले खाना पड़ा, यो भी इट गए भाई गाने, सुपर डुपर इट गाना गया, सुपर डुपर इट गया उसका। उसका तो बस जो उसकी उसका कंठ में ही चीज थी भाई, एक बार जुबान तक काट दिया करता वो चीज। अच्छा, हरियाणवी लैंग्वेज क्या और भी लैंग्वेज में गाने आप तो मिले हैं? हाँ हाँ हाँ, बजाए ले करते साथ दूसरी उसमें भी सुर लगा दे करते, हारमोनियम बहुत गजब की बजाया करते, हारमोनियम बहुत अच्छी प्ले कराया करते। दूसरी बात, वो राजस्थान से बिलोंग कराया करते, एक बात और बता दी बता हमने, वो हरियाणा का कौन था? उसके अंदर क्वालिटी देखो, पहली बात तो क्वालिटी की थी, राजस्थान का रहने वाला बंदा वो राजू राजस्थानी भी लगा इसके था, राजस्थान का रहने वाला बंदा हरियाणा के अंदर आया राजू हो गया, और फिर नाम का गला पंजाबी, यानी तीन स्टेटा ने लेकर कला बंदा चल रहा था, उसकी यह भी क्वालिटी थी, राजू पंजाबी पंजाब ने भी साथ में ले रहा था, राजस्थान का रहने वाला वो खुद था और हरियाणा के अंदर आकर काम कर रहा था, और एक भाषा मैंने भाई बहुत भाषा में गाने गाया, प्यार भी दिया जनता ने लोगों ने, खूब दिया भाई, मतलब खूब दिया, आज पलकों में बिठाया जनता, पलखा में बिठाया भाई। अच्छा, जब राजू पंजाबी जी की आपने क्या बजे पता चला? मन्ना सुबेरे मेरे द्वारा फोन आया भाई, सुबेरे सुबेरे तीन साढ़े तीन नहीं सॉरी मतलब 7:30 बजे फोन आया मेरे द्वारा, किसी भाई का फोन आता जानकार का, बोले यार नुनू राजू पंजाबी में गया, महाज क्यों मजाक कर रहा है यार, लग रहा है पूरा होया को नहीं, महा मजाक लग रहा है यार, मैं इसी बात तो हो नहीं सकती, अरे ने बोला तो फेसबुक खोल के देख, मैंने फेसबुक खोला तो वो कई कलाकारों ने लगा रखा था भाई, नू सोच ले बस शरीर में तो नू आत्मा लिगड़न का काम हो गया था, मैं ऐसा तो हो नहीं सकता यार, पहली बात तो नू भी रहा था वो बीमार भी चल रहा है भाई, उसका गला या इतना बड़ा मतलब वो बीमारी का शिकार भी हो रहा है, बेरा कौन लग गया, और मैं खुद बदकिस्मत हूँ इस चीज में, मैं उसका अंतिम संस्कार पर जाने से, मतलब एक हरमन मोला कलाकार था, बहुत मन अरे मन का मोजी था वो, फ्रैंकली भी इतना था उसकी, यह भी क्वालिटी थी, कदे नु छाती गुरु की टीम में हरियाणवी लैंग्वेज ना गले का जान ले रहे हो, मैंने इतनी सेवा कर दी हरियाणवी की, और कई कलाकार देखे हो छाती पीट दे, बहुत से देखे, अरीब भी है भाई, उस पर का ना होना और ना कदे हो भाई साहब, वो तो हरियाणा का शेर था, छाती कदे पिटी है कोनी, वो किस चीज की छाती पिटा, अगला में टैलेंट था भाई, काम विश्वास था, वो काम है जो उसने जनता ने लोगों ने देखा और पलकों में बिठा दिया, उसने अपना काम पे विश्वास था, अपनी कला पे विश्वास था, और जिसने अपनी कला पे विश्वास नहीं होता वो मौके जाओ भाई, वो चक्की में कर दो, बहुत कलाकार देखा हमने हरियाणवी भाषा को, हरियाणवी बोली की हम सेवा कर रहे हैं, माँ बोली उनकी सेवा कर रहे हैं, कदम हमने उसके कितने इंटरव्यू उठा के देख लो, कितने उसके लाइव शो उठा के देख लो, कितने उसके विदेशियां के शो उठा के देख लो, आज तक उसका मुंह तो नो आई होगा मैं हरियाणवी बोली ना गले के गया हूँ, आज तक उसका मुंह है किसी किसानों के प्रति कोई से लफ्ज आया हो, सरकार के प्रति सरकार चाची हो चाह माड़ी हो, मैंने नहीं कहता सरकार माड़ी आ रही है, सरकार से किसी आ रही सरकार के प्रति नहीं बोलिया आज तक, हाँ काम लेके बिक जो उसका दौरा है, कोई भी कलाकार राइटर साथी है डायरेक्टर है प्रोड्यूसर कोई जाके बिक जो भली बात है आपका काम बढ़िया देने की कोशिश करेगा सबने, ईशा कलाकार तो ये भाई ये उनका गलत काम भी कर रहे हैं, उनके चाहने वाले भी हैं, और भाई यह बात बमन ने जो कही थी कि राजू पंजाबी ने कहते कह नहीं कि मैंने माँ बोल दी हरियाणवी की इतनी सेवा करी है, उसका तो काम बोल ले करता है भाई, बहुत से कलाकार कह रहे हैं अपना माँ बोल दी की इतनी सेवा कर दिया, हरियाणवी माँ बोलने को पहुँचा दिया है, लेकिन राजू पंजाबी साइलेंट वर्क वर्कर आदमी था भाई, मतलब काम तो मतलब था ना काम करिया करता और काम ऐसा कर दिया करता भाई, मतलब लोगों ने सिर पर मतलब पलक्का पे बिठा लिया था भाई, इतना मतलब हरमन मोला इतना मतलब सिरमौर गायक कह रहा है जिसने नु लै लिया, हरियाणवी सिंगरा का पीर था भाई, होगा इससे बड़ी बात और मैं कह रहा हरियाणवी सिंगर उनका पीर हो गया था भाई, अपनी कलाकारी में हर तरह के साथ निभाया, बस ऐ कर माइक पर गाया कर बच गया, उन्होंने मतलब सुरा का बेरा था, लय का बेरा था, ताल का बेरा था, सारे उसने जो साथ था सारे बजाने आए थे, मतलब एक बड़ा घाटा होया हरियाणवी जो संगीत जगत है इसने, और ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता, तो भाई
हम तो एक वांगे भगवान है जो उनके चाहने वाले और उनके घर वालों को है या दुख की घड़ी में इतना बड़ा दुख सहने की है जो ताकत देवे भगवान। और 3-4 बजे का टाइम है आज, वो पाकत विलीन हो जाएंगे राजू पंजाबी जी है जो। और भाई आप भी अपनी राय जरूर है जो उधर ही हो कमेंट सेक्शन में, उनको कौन सा गाना सबसे, गाने तो वैसे सारे बढ़िया थे, कौन सा गाना और कौन सी गाने की लाइन आप सबसे बढ़िया लगे करते कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।